बैटरी का मॉडल है, 14 मॉडल इसकी क्या प्राइस है? इसके 1,40,000 रुपये। 40,000 रुपये। और ये साथ इसके साथ ये चल रही है, अगर ये फ्लोर खराब हो जाए तो फिर तो ये जो भी है ना मॉडल के हिसाब से चल डाल के देते हैं। पुराना साल आपको वापस 2 लाख रुपए की। सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हमजा बात कर रहा हूँ भाई व्हील से, और मेरे साथ मौजूद हैं इरफान पठान। और इरफान पठान, आप बताएं ज़रा, शॉप नंबर बताएं आपकी। हमारी शॉप नंबर 88 है, बिलालगंज मस्जिद वाली गली। आप किस चीज़ों को डील करते हैं यहाँ? हम यहाँ पे हाइब्रिड जो बैटरी नहीं होती, हाइब्रिड बैटरी और ABS जो आजकल गाड़ियाँ चल रही है, प्रियस एक्वा वगैरह की, उनकी डीजल वगैरह की, उनकी बैटरी की हम डील करते हैं। ये सारी चीज़ें की और फिर बैटरी रिपेयर भी हो जाती है? बैटरी रिपेयर भी होती है, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ सर्विस के कमजोर होगा तो वो चेंज भी हो जाते हैं बैटरी। तो इनमें कितने सेल्स होते हैं, कुछ है आईडिया? इसके जो प्रियस की जो बैटरी है उसके 28 सेल होते हैं, जो एक्वा वाली है उसके 20 सेल होते हैं। ऐसे फिर डिफरेंस होती है हर एक की, कई बैटरी होती है उनके 40-40 सेल होती है, कई होती है वो लिथियम होती है, जैसे विजल की है, होंडा फिट की है, होंडा फिट की है, वो लिथियम होती है। ये जो प्रियस में लिथियम नहीं आती, प्रियस में अभी तक लिथियम नहीं है, वो ऐसे हम करते हैं कि डीजल के जो सेल होते हैं वो उसको कन्वर्ट करते हैं प्रियस में लिथियम तैयार करने के लिए। अच्छा, प्रियस के अपने लिथियम तो फिर आपको पता है वाइट गोल्ड है, जिसे कहते हैं वाइट गोल्ड कहा जाता है आजकल। और लिथियम प्रियस में यही है, वो जो नए मॉडल है 2020-21 मॉडल यारस में जो है, मिसाल के तौर पर करोला जो कंपनी है उसमें, उसने यारस में लिथियम इंट्रोड्यूस करवाई है। तो इसके अलावा बैटरीज के अलावा आपके पास क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी? हमारे पास फॉर्च्यून के जो सामान है, मिसाल के तौर पे कॉइल सेंसर और क्या कहते हैं कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं हमारे पास, ठीक है ना? ठीक है। और मतलब कि फॉर्च्यून के रिलेटेड जो भी सामान है ना वो भी तकरीबन हमारे से कंप्यूटर्स वगैरह भी पड़े हुए, कंप्यूटर जो IC वगैरह होती है। और इनके अलावा कुछ कुछ दिखाएं चीज़ें अपनी, ये देखे ना, ये हमारे पास ये बैटरीज है, देखते हैं भाई हमें क्या दिखाते हैं। इरफान भाई, ये बैटरी किसकी बैटरी है? ये प्रियस 1800 की 1.8 की है, 1.8 1800 की है। प्रियस 1800 की है और ये 17 मॉडल है, 17 मॉडल। ये 17 मॉडल। तो क्या प्राइस है इसकी? इसकी प्राइस जो है ना 1,80,000 रुपये है। 1,80,000 रुपये? 1,80,000 रुपये पुरानी बैटरी साथ देंगे। अच्छा, पुरानी साथ देंगे तब ये रेट है, वैसे क्या रेट है? अदरवाइज ये 2 लाख रुपए की बैटरी है। 2 लाख रुपए की। और ये साथ में किसकी पड़ी हुई? ये एक्वा की है, 1500 सीसी की है। हाँ, 1500 सीसी की है। ये 14 मॉडल है, 14 मॉडल। इसकी क्या प्राइस है? इसके 1,40,000 रुपये। 40,000 रुपये। और ये साथ? ये 16 मॉडल है एक्वा की। अच्छा, ये अच्छा फर्क है दोनों में? नहीं, वो ब्लोर उस साइड पे है ना। अच्छा, ब्लोर। अच्छा, ये देखो, ये ब्लोर इस साइड पे, ब्लोअर ठंडा रखने के लिए। हाँ, ब्लोअर ये टेम्परेचर को कूल मेंटेन रखने के लिए होता है। ये AC वाला ब्लोअर लगा हुआ है कि वैसे सिंपल ब्लोअर है? नहीं नहीं, ये इसका अपना ब्लोअर होता है, इसके साथ ये चलती है। अगर ये ब्लोअर खराब हो जाए तो फिर ये नहीं चलती, नहीं चलती, बैटरी नहीं चलेगी, हीट अप हो जाती है, हीट अप हो जाएगी। ये क्या एक्वा? ये एक्वा 16 मॉडल की है। क्या प्राइस है इसकी? ये 1,60,000 रुपये इसकी प्राइस है। 1,60,000 पुरानी दे के? पुरानी नहीं, बगैर पुरानी की इसकी। अच्छा, वो नए मॉडल की है। अच्छा, और ये? ये 2 मॉडल, ये 14 मॉडल की, 1,40,000 रुपये इसकी प्राइस है। ठीक है। और ये वाली, ये भी एक्वा की है? ये भी एक्वा की है। इसमें मॉडल वाइज होता है, ये जो भी है ना मॉडल के हिसाब से इसका रेट होता है, ठीक है जी जी। ये सारी एक्वा की पड़ी है, प्रियस 1800 की पड़ी है 1.8 की, ठीक है। फिर इधर आ जाइए, ये जो बैटरी है, ये एक है होंडा CF हाइब्रिड, होंडा की CF जो, हाँ, 2 मॉडल वाली। फिर उसके बाद है रिबोन हाइब्रिड, ये CF मॉडल है, ये रिबोन, ये उसकी बैटरी है, ठीक है। और ये सामने जो बैटरी लगी है ना, ये सामने सामने वो वाली है, ये सामने ये जो नीचे बैठने लगी है, ये प्रियस 1800 1500 की है। ये वाली बैटरी, ये प्रियस की, ये भी 1500, ये 1800, ये 1800 की, ये नीचे वाली जो है ना ये भी 1500 की है। सर, इनकी क्या प्राइसेस है? ये प्रियस जो है ना, ये 1,00,000 रुपये, 1,50,000 रुपये प्रियस 1500 की प्राइस है। ये क्या? अच्छा, ये क्या चीज पड़ी हुई है? ये सेल पड़े हुए हैं, ये जिस ये जो बैटरी में इस्तेमाल होते हैं सेल है। हमारे पास सेल होते हैं, खुले सेल भी मिल जाते हैं हमारे पास। अच्छा, बैटरी भी आप रिपेयर कर देते हैं? बैटरी भी रिपेयर होती है यहाँ पे इंशाल्लाह। हाँ, ये तो आप बड़े अच्छा काम किया यार। हमारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि ये प्रियस आपने जो हाइब्रिड गाड़ी है उनकी जो बैटरीज भी रिपेयर कर देते हैं, तो मतलब ये आपका खर्चा बचा सकते हैं, नई बैटरी भी अगर आप लें तो उसके हिसाब से। तो
एक सेल कितने का डाल के देते हैं? ये एक सेल जो जापानी जो सेल होता है ना उसकी प्राइस जो है ना मार्केट में तकरीबन 6,000 रुपए 5,500 रुपए है, लेकिन हमारे पास जो है ना हम पुराना सेल साथ लेके 4,500 रुपए का सेल डाल के देते हैं। पुराना सेल आपको वापस देंगे और नया आपको डाल के देना है 4,500 में। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या चीज है? ये लिथियम, दिस इज लिथियम यार, ये देख रहे हो, ये लिथियम की बैटरी है। बाद में ये लिथियम, ये देखो, ये देखो प्रियस 1800, ये लिथियम बैटरी है, ये लिथियम होती है, ठीक है, ये लिथियम की बैटरी है, वाइट गोल्ड, वाइट गोल्ड जिसको आप वाइट गोल्ड कहते हैं। तो ये कितने की? ये महंगी होगी, ये महंगी है, ये जापानी लिथियम है। जापान में ये जो है ना, हम एक जो होती है ना पाकिस्तान में जो हम लोग तैयार करते हैं जी जी, वो चीज नहीं है, ये जापान से मतलब ये कंपनी की मेड है। ये इसकी प्राइस जो है ना वैसे मार्केट में 2,50,000 रुपया 2,40,000 रुपया, लेकिन हमारे पास जो है ना ये आपको भी मिलेगी आज की डेट में 2,00,000 रुपए की पुरानी बैटरी साथ दे के। पुरानी बैटरी साथ दे के 2,50,000 रुपए की? नहीं, 2,00,000 रुपए की। 2,00,000 रुपए की लिथियम की बैटरी है सारे साल है। और ये वारंटी इसकी क्या होगी? इसकी 2 साल की वारंटी होगी। 2 साल की वारंटी, इरफान भाई ये इसलिए तो इसकी वारंटी ज्यादा होती है। और इसकी सलम वाली भी क्या है? ये जो जनमल जो सेल आते हैं उसकी 6 माह की वारंटी होती है। 6 माह की वारंटी आप देंगे सेल रिपेयर करके की क्या होगी? रिपेयर करके जापानी सेल डाल के देंगे, जितने सेल आप सेल तो आपके पास, ये देखें ये भी सेल पड़े हैं, वो भी पड़े हैं, सारे बैटरी है, वो भी सेल पड़े हुए, सेल ही सेल है आपके पास, ये सारे सेल है। अच्छा आपके पास ही में है, उसके अलावा भी हाइब्रिड बैटरीज के अलावा ये क्या चीज है? ये किसकी बैटरी? ये लेक्सस की बैटरी है, ये लेक्सस का ब्लॉक होता है पूरा, ये भी लिथियम का है, ये भी लेक्सस जो ये 450 नहीं है 450 उसमें 3 ब्लॉक आते हैं ना, ये अलग अलग उसका ब्लॉक है, ये लेक्सस का, ये भी सेम उसी का ही है। हाँ ये लेक्सस, ये भी लेक्सस का, ये भी लेक्सस का, ये भी लेक्सस का। अच्छा इसकी क्या प्राइस है? इसकी जो प्राइस है मुकम्मल बैटरी जो है ना उसकी 3,50,000 रुपए प्राइस है, लेकिन ये सिंगल जो ब्लॉक है ना ये 90,000 रुपए। ये दोनों ज्वाइंट होते हैं? नहीं ये अलग होता है, ये प्रॉपर जो इसकी बैटरी है ना वो बड़ी होती है, इधर इसकी जगह भी नहीं बनी, वो बड़ी होती है, 3 ब्लॉक होते हैं। अच्छा 3 ब्लॉक होते हैं, अलग अलग ब्लॉक जो है ना बैटरी में होता है। ठीक है ठीक है। अब हमें इसके अलावा एबीएस वगैरह दिखाए हमें। एबीएस जो है ना मेरे पास ये प्रियस 1800 के सारे एबीएस होते हैं, ये देखो ये प्रियस 1800, ये एक्वा का, ये तो आपने चुलबुल का बच्चा निकाल लिया, इतना प्यारा साफ सुथरा पीस है यार। ये एक्वा का एबीएस है, ये न्यू मॉडल का एएच कोड है, जो लोग जो इलेक्ट्रिशियन हजरात या जो एएच किधर लिखा हुआ एएच, ये कोड होता है इसका, ये न्यू मॉडल है, ये लिखा हुआ है एएच, ठीक है। हमारे पास ये एक्वा का मॉडल, ये 2016 मॉडल है, 16 मॉडल एक्वा, ठीक है। जो जापान का पाकिस्तान का वो मॉडल बनेगा 2020, ये जापान का 2016 मॉडल है, ठीक है ठीक है। और हमारे पास हर किस्म के इसके एड्रेस होते हैं, एक्वा के, प्रियस के। और इसकी प्राइस क्या है? इसकी जो प्राइस है वो 1,70,000 रुपए है, लेकिन अभी आपको हमारी शॉप में ना आज की डेट में ये 1,50,000 रुपए का मिलेगा एएच जापानी आज की डेट में। ये मतलब भी आपको पता है रेट मार्केट इस टाइम पर जो रेट कर रही है कोई पता नहीं। तो ये आपने बड़ी प्यारी चीज निकाली, ये क्या चीज है? ये एबीएस है, उसमें स्टीमा में आता है, एल्फर्ड में आता है, प्रियस 1500 में आता है, 1500 ठीक है। और उसके अलावा ये उसमें भी आते हैं, क्या कहते हैं, ये बहुत ज्यादा, ये कुछ, ये दो किस्म के एबीएस है ज्यादातर। ये जो एबीएस है ना प्रियस 1800 एक्वा फिल्टर काफी ज्यादा गाड़ियों में है, इसी तरह ये जो एबीएस है ना ये भी इसी तरह ज्यादा गाड़ियों में है। दो किस्म के हाइब्रिड एबीएस ज्यादातर ये यूज होते हैं, और ऑलमोस्ट हमारे पास तकरीबन हर जो हाइब्रिड गाड़ी है ना उसका एबीएस हमारे पास मौजूद है, मिल जाएगा। कौन कौन सी गाड़ी का जरा नाम बता दें? एक्वा का, प्रियस का, फिल्डर, एक्सियो, विड्स हाइब्रिड, ठीक है, लेक्सस का, लेक्सस का, और नोहा का, सेंटा, मतलब कि गाड़ियों के तो बड़े नाम है, इतने ज्यादा याद तो नहीं रहते, लेकिन तकरीबन ऑलमोस्ट हर मतलब व्यूअर्स आप जैसे देख रहे हैं कि आपको जो सी भी गाड़ी आपके पास है, आपको एबीएस चाहिए या फिर बैटरी चाहिए, आपको इनसे मिल जाएगी, इरफान भाई से। इरफान भाई हमारे हैं बिलालगंज में, तो आप अगर अच्छा हमारे व्यूअर्स का एक क्वेश्चन होता है कि ये जो सारी चीज़ें हमने देख रहे हैं या फिर जो आप हमें दिखा रहे हैं, अगर ये आउट ऑफ सिटी है, लाहौर से बाहर है, तो आप कैसे उनको पहुंचाएंगे ये चीज़? इंशाल्लाह ताला हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा जो काम होता है वो आउट ऑफ सिटी होता है, हम उसको पार्सल वो करते हैं, वो जैसे हमें पेमेंट भेजते तो हम क्या कौन सा वे आप इस्तेमाल करते हैं जो आपका हम ज़्यादातर ये ट्रांसपोर्ट जो गुड्स वाले नहीं है
مثال کے طور پہ بائر منی ٹرانسفر جو جیس کیش کے تھرو کرتے ہیں، جیس کیش بھی کرتے ہیں، اگر زیادہ رقم ہو تو پھر وہ بینک کے تھرو کرنا ہی پڑتی ہے، جیس کیش میں ایک لمیٹڈ رقم ہوتی ہے، تو بینک اکاؤنٹ بھی ہے، جیس کیش بھی ہے، اچھا وہ اس کا ریکارڈ بھی آ جاتا ہے، اسی وقت ریکارڈ بھی آ جاتا ہے، آج کل ویسے بھی لانگ آن لائن سسٹم ہے، ہر کوئی پر آن لائن ہی چیزیں ہوتا ہے۔ اچھا آپ یہ کچھ چھوٹی چیزیں پڑھی ہیں اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ ہاں یہ بتانا بھول گیا تھا، یہ وہ چیز ہے کیا کہتے ہیں، جیسے یہ پریس وغیرہ، ایکوا وغیرہ، ٹویوٹا وغیرہ نے نا، یا ہونڈا وغیرہ نے ہائبریڈ گاڑی نکالی نا، ایسے ہی سوزوکی والوں نے سیمی ہائبریڈ اس کو بولتے ہیں، سوزوکی کی بیٹری ہے یہ والی، یہ اس کو کہتے ہیں، کون سی گاڑی ملتی ہے یہ سوزوکی؟ اچھا مجھے آپ کون سی گاڑی میں یوز ہوتا ہے یہ؟ یہ سوزوکی والوں نے نا سیمی ہائبریڈ جو ہے نا بیٹری گاڑی نکالی ہے، اس میں یہ بیٹری یوز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایکو آئیڈل، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ایکو بیٹری ہے یہ آلٹو میں آئی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ان کی ویگنار میں آئی ہے، ہاں جو چپانی گاڑیاں جاتا ہے، چپانی جو گاڑی ہے سیمی ہائبریڈ، آلٹو ویگنار ہو گئی، ٹھیک ہے، اس میں اور بھی اس طرح کی کافی اس کی گاڑیاں ہیں، اس میں یہ جب وہ اشارہ پہ روکیں تو وہ انجن سوئچ آف ہو جاتا ہے، انجن سوئچ آف ہو جاتا ہے، اس پرپز کے لیے ایکو آئیڈل۔ جب پاکستان میں انہوں نے آلٹو میں دیا نہیں ہے، اس میں یہ بیٹری نہیں ہے نا؟ نہیں وہ یہ نہیں، جاپانی گاڑیوں میں، پاکستانی گاڑیوں میں ابھی تک نہیں آئی، ویسے پاکستان میں دیتے ہوئے موت پڑتی ہے، نہیں پاکستان میں ابھی تک یہ اس چیز کی وہ نہیں آئی نا، اگر وہ ہوتی تو۔ ان کی پرائزز کیا ہیں؟ یہ جو اس کی جو یہ بٹر ایمو جو بیٹری ہے، اس کی پرائز ہے 10,000 روپے، ٹھیک ہے، یہ نسان کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی پرائز ہے 10,000 روپے، اور یہ 85 PO یہ نئے ماڈل کی ہے، یہ اس کی پرائز ہے 25,000 روپے۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ لیگزس کی ایکو بیٹری ہے، یہ نیو ماڈل ہے 2021-22، ٹھیک ہے، اس کی جو پرائز ہے یہ 2,50,000 روپے پرائز ہے، یہ سب سے لیٹسٹ ماڈل ہے، اور یہ لیگزس میں بھی یہ ایکو آئیڈیل آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایکو بیٹری ہے لیگزس۔ اور وہ یہ کمپیوٹر پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس؟ یہ کمپیوٹر پڑے ہیں سارے، اوپر جو ہے نا کمپیوٹر کٹیں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں۔ یہ اے بی ایس آپ کے پاس کون کون سے پڑے ہیں؟ یہ جو چھوٹی گاڑیوں کے اے بی ایس ہے، مثال کے طور پہ ریبون ہو گیا، ٹھیک ہے، کینٹو ہو گیا، جو پانی کی گاڑیوں کے ہمارے پاس اے بی ایس ہوتے ہیں، ہونڈا فٹ کے اے بی ایس پڑے ہوئے ہیں، نام لے دیں بس سمپل سے، ویزل کے اے بی ایس پڑے ہوئے ہیں، ہونڈا فٹ کے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اے بی ایس، مطلب یہ ہائبریڈ گاڑیوں کے ہیں۔ اچھا ہاں جی، اور اس کے علاوہ پھر جو بھی جاپانی نئی ماڈل کی بہت کافی گاڑی ہیں، ہر ماڈل کا میرے پاس اے بی ایس تقریباً بڑا ہوتا ہے، مل جائے گا۔ اچھا اے بی ایس میں آپ کو پتا ہے یہ ماڈل کوڈ ہوتا ہے؟ کوڈ ہوتے ہیں، وہ کوڈ کے لگے لاو اگر لگے تو وہ بریکنگ صحیح نہیں کرتا؟ نہیں، کوڈ کے علاوہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو میچ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو، لگ جاتے ہیں، وہ یونیورسل کوڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ایسے کوڈ ہوتے ہیں کہ وہ نہیں میچ ہوتے ہیں، وہ نہیں میچ ہوتے، وہ پھر وہ اسی کوڈ کا سیم کوڈ۔ میں نے ریبرتھ میں ایک انسٹال کروایا تھا، اچھا، تو ریبرتھ میں وہ کیا کر رہا تھا، دو ٹائروں کو صحیح پریشر دے رہا تھا، اگلا اور پچھلا کراس میں، ٹھیک ہے، اور کراس میں ہی وہ جو ہے دو بلنک کروا رہا تھا، وہ سوئک کا جو ہے نا اس کا ٹربو والا ہے، ٹربو والا، ہاں وہ اتنی جلدی وہ کلیئر بھی نہیں ہوتا، وہ بھی ہمارے پاس پڑے ہوئے، میں نے وہ بھیجے بھی، میں ایک سائی وال میں نے بھیجا، یہ آپ بھی دیکھیں، تھوڑی ڈیٹیل دینا ذرا کوڈ شوڈ کے حوالے سے۔ کوڈ کے متعلق یہی ہے کہ اس کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ ٹیٹ کوڈ ہوتا ہے اس کا، TEAT، یہ سوئک جو ٹربو اے بی ایس ہے، ٹھیک ہے، اور باقی ہونڈا فٹ کا، ہونڈا ویزل کے جو ہوتے ہیں T7 BJ9 BJ5 یہ آکسیجن سینسر ہوتے ہیں، اس کے ڈولگی میں ہوتے ہیں جو، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے، کیا نام اس کا، کیٹالیٹک کنورٹر میں آتا ہے وہی نا، اسی میں، ہاں اسی میں۔ اور یہ کیا پرائز ہے ان کی ویسے؟ یہ ڈفرنس ہے بیٹس کا، کتنے کا بیٹس کا جو ہے نا، آپ کو ملے گا 1500 روپے کا بیٹس کا، 1500 سے۔ ایک گاڑی تھی ایک ہمارے ساتھ کی، تو لوگ میں بتاؤں گا تو وہ پھر ہاں سے منگوا لیں گے یہ آکسیجن سینسر، ٹھیک ہے۔ اور کچھ مسنگ ہو آپ کی شاپ سے ریلیٹڈ؟ نہیں بس تقریباً ہمارے پاس یہ عرفان بھائی ہیں، دیکھیں ذرا ان کو دیکھ لیں کتنے خوبصورت سے ہیں۔ اور ہماری ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو آپ شیئر کیا کریں دوستوں کے ساتھ، کمنٹس کیا کریں، ہمیں رائے دیا کریں، اور کوئی بھی چیز لینی ہو تو سکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہے، ان کا کارڈ شو ہو رہا ہوگا، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، ریویوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔